ganamos. गाइस स्वागत है आप सभी का चर्चा विद थगुआ के पहले एपिसोड में, और मेरे साथ है एंटिटी से एंटिटी घातक और घातक भाई अभिजीत भाई। कैसे हो? एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। घातक भाई देखिए, इन दिनों आपने काफ़ी पबजी मोबाइल के इस टूर्नामेंट के लेवल में, कंप्यूटर लेवल में काफ़ी नाम कमाए हैं, तो मैं जानना चाहूँगा कि आप अपने बारे में मेरे दर्शकों को वो बताइए जो वो नहीं जानते कि एंटिटी घातक की दुनिया क्या है, आप कहाँ से आए हो, आपका क्या बैकग्राउंड है, और इस पबजी मोबाइल के इतने हाई प्लेटफॉर्म में आने के लिए आपने क्या क्या खोया, क्या क्या आपने हासिल किया अभी तक? जैसे कि लाइक सब लोग स्ट्रगल करते हैं, कम्युनिटी ऐसी है कि सबको अपनी मेहनत से ही आगे बढ़ना पड़ता है। तो मैं बेसिकली पुणे से हूँ, और मैंने ये गेम फन के लिए खेलना स्टार्ट किया था। ऑलमोस्ट बहुत सारे बंदे फन के लिए खेलना स्टार्ट करते हैं, बट जब उन्हें गेमिंग के बारे में पता चलता है तब उनका एक मन में ऐसी इच्छा जग जाती है कि भाई हमें भी कॉम्पिटिटिव में आना है। तो इस चीज़ के लिए वो लोग मेहनत करना स्टार्ट कर देते हैं। वही सेम स्टोरी मेरी भी है, बट थोड़े से मतलब इश्यूज़ आए, थोड़े से फैमिली इश्यूज़ थे, सबके रहते हैं, तो वही थोड़ा सा मतलब ओवरकम करके थोड़ा सा स्टडी किया गेम का वो टाइम से। बाद में एक टूर्नामेंट हुआ था PMIS करके, जो हैदराबाद में हुआ था, तो वो टूर्नामेंट में देखना चला गया था जहाँ पे सोल का टीम जीता था। तो वहाँ पे मैंने वहीं पे सोच लिया था कि आने वाले टाइम में मुझे खेलना है यहाँ पे। ये जो टूर्नामेंट रहते हैं, पबजी के टूर्नामेंट्स रहते हैं, वहाँ पे लैन पे मुझे खेलना है कुछ भी करके, उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। बिल्कुल। तो वहाँ से जो मैंने एक प्रैक्टिस करना चालू किया, दिन रात एक किया, एक साथ टीम बनाया, और वो जो नेक्स्ट टूर्नामेंट था उसके लैन पे मैं पहुंच गया वहाँ पे। बिल्कुल सही। तो आपने फैमिली इश्यूज की बारे में बात की, तो मेरे काफ़ी दर्शकों को पता नहीं होगा घातक भाई मैरिड है, तो घातक भाई फैमिली के साथ, मैरिड लाइफ के साथ आप पबजी को इतना टाइम कैसे दे पाते हो? ऑब्वियसली आपके फैमिली से क्या इश्यूज आते हैं, टाइम मैनेजमेंट में आपको ट्रैवल करना पड़ता है इतना, तो वो आप कैसे मैनेज कर रहे हैं? फैमिली का इशू मतलब इससे ज़्यादा इशू नहीं है। मैं और मेरी वाइफ दोनों अकेले रहते हैं, अलग रहते हैं। मेरी वाइफ रॉकवेल ऑटोमेशन करके कंपनी वहाँ पे जॉब करती है, और वो थोड़ा सा पहले अपसेट थी मेरे से। मैं गेम खेलता था फन के लिए, तब कोई इशू नहीं था, क्योंकि मैं मेरा फोटोग्राफी का लैब है पुणे में, तो मैं अप डाउन करके कभी कभी गेम खेलता था। बट जब मेरे मन में जो इच्छा जग जाती है भाई कुछ ना कुछ करना है इसमें, तब एक बंदा पूरा डेडिकेशन के साथ गेम खेलता है, मतलब कोई भी काम करता है, कोई भी काम हो, हाँ। ना कि सिर्फ गेम। तो वो डेडिकेशन लेवल के साथ मैं खेलना चालू कर दिया, तो थोड़ा अपसेट हो गई कि तू काम पे ध्यान नहीं दे रहा है। तो वो थोड़ा सा अपसेट थी कि ये चीज़ में तुझे क्या मिलेगा, तो वो थोड़ा सा स्ट्रगल वाला फेज था। तो फिर बाद में वो भी मतलब सपोर्ट करने लगी जब जहाँ पे थोड़ा सा हमने टूर्नामेंट में परफॉर्म किया, जब नाम बनने लगा, तो उसने भी सोचा कि हाँ कुछ ना कुछ तो मिल रहा है यहाँ पे, रिस्पेक्ट मिल रही है। बिल्कुल। तो सबसे बड़ी बात वही होती है, रिस्पेक्ट। पैसा तो कोई भी कमा लेता है, बट रिस्पेक्ट सबसे बड़ी बात होती है। और वहाँ पे मैंने जो खेलना स्टार्ट किया, तो फिर अभी जैसे ही टूर्नामेंट खेले मैंने, लैन टूर्नामेंट खेले, तो अभी कोई इशू नहीं है, वो फुल सपोर्टिव है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एकदम बढ़िया चल रहा है। बहुत अच्छी लगा ये बात मुझे सुन के। पर आपने एक बात बोला कि आपकी वाइफ आपको बोलती थी कि क्या मिला, तो इसके हाँ। साथ मैं आपको पबजी मोबाइल के आपने मिलान में जो टूर्नामेंट में इंडिया को रिप्रेजेंट किया था उसके बारे में पूछना चाहूँगा कि वो एक्सपीरियंस कैसा था, आपको कैसा लगा इंडिया को रिप्रेजेंट करके? आप लोगों ने रिजल्ट्स भी आज तक किसी भी इंडियन टीम ने ग्लोबल प्लेटफॉर्म में इतने अच्छे रिजल्ट नहीं लिया, आप लोग का 4th फिनिश था, तो वो आपको वो फीलिंग कैसा था आपका? यहाँ से वो क्वालिफाई करना बहुत बड़ी बात थी। जो ESL टूर्नामेंट का जो आपने अगर क्राइटेरिया देखा होगा, वो क्राइटेरिया सबसे खतरनाक राइट है, मतलब एक टाइप के उसके रूल्स, एक बहुत ही हाई लेवल के रूल्स हैं, जहाँ पे दिन के 6 मैचेस होते थे, एक भी मैच में आप अगर आप टॉप 10 में नहीं आते हो तो आप वो मैच से मतलब अगले मैच के लिए आप क्वालिफाई नहीं होते हो। तो वो फेज आपको क्रॉस करके आपको क्वालिफाई करना था फाइनल्स के लिए। तो फाइनल्स के लिए वहाँ पे उस टाइम पे सारी टीम्स खेली थी, लास्ट मंथ था ESL का, 3 महीने में 3 टीम जाने वाली थी। तो लास्ट महीने में हमने बहुत सारी इंडिया की सारी की सारी बेस्ट टीम्स खेल रही थी। तो वहाँ पे हम लोगों को थोड़ा सा ऐसा मन में डाउट था कि हाँ हो पाए ना नहीं हो पाए, लेकिन हमने सोचा कि इस बार करना ही है कुछ भी करके, पूरा प्रैक्टिस के साथ खेले। और वहाँ पे एक थोड़ी दिक्कत ऐसी हो गई कि जिस दिन फाइनल्स था उसी दिन मैं कास्टिंग के लिए गया था PMIT के हैदराबाद में, वहाँ पे थोड़ा सा पिंग इशू था, बट स्टिल हम लोगों ने हमारा 100% दिया उस दिन, और अच्छे खासे मार्जिन के साथ हम लोग वो फाइनल्स क्वालिफाई किए। ये होगा पहला पॉइंट। तो उसके बाद हमने इतना प्रैक्टिस स्टार्ट किया, और हमने सोचा कि ये टूर्नामेंट में एक इम्पैक्ट गिराना है, जितना इतना आसान नहीं है, क्योंकि फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव था, FPP था वो, हाँ। और अपने इंडिया में फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव बहुत कम चलता है, मतलब पकड़ के चलो 10%, हाँ, बिल्कुल। और जो भी बंदे खेलते हैं वो 10% वो भी फन के लिए खेलते हैं। तो हम लोगों ने वहाँ पे सोचा कि यूरोपियन सारी की सारी टीम FPP खेलती है, तो वहाँ पे वो एक्सपीरियंस मतलब बहुत
मजेदार भी था और बहुत और वहां पे प्राउड वाला भी डोमिनेट रहा होगा। लाइक टेंसेंट के ऑफिशियल्स ने हमें कहा कि वी आर इम्प्रेस्ड विद योर टीम बिकॉज ये इंडियन टीम से डोमिनेशन जो तुम इंडियन टीम से हम लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना डोमिनेशन करे सही डोमिनेट बात करेगी है टीम। बिल्कुल सही। तो सेकंड मोस्ट किल्स थे हमारे टीम के वो टूर्नामेंट में और फोर्थ प्लेस पे हम लोगों ने फिनिश किया। फिनिश किया था। तो बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था। और वहाँ पे जो मैनेजमेंट थी आज तक मैंने जितने लैंड टूर्नामेंट देखे सबसे बढ़िया लैंड मैनेजमेंट थी और उधर के लोग बहुत बढ़िया थे। मतलब बहुत ओवरऑल एक बहुत ही अच्छा एक्सलेंट एक्सपीरियंस था। एक्सपीरियंस था। तो घातक भाई इसके साथ ही साथ मैं आपको पूछना चाहूँगा, आप लोग कुछ महीने पहले एनटीटी गेमिंग के साथ साइन अप की, तो एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो कि इंडिया में इतना बड़ा नाम है, उनके साथ आपको जुड़ के कैसा फील आता है? उनके साथ एक ऑर्गेनाइजेशन के जुड़ ऑर्गेनाइजेशन को जुड़ने के बाद एक थोड़ा सा मन में ऐसा रहता है, सबको होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में थोड़ा सा बोझ है, थोड़ा सा लाइक थोड़ा प्रेशर सिचुएशन में बंदे आ जाते हैं कि भाई हम लोग अभी बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन के साथ मतलब मिल चुके हैं। पर सही बात है। जैसे ही मतलब मैं बूट कैंप पे गया, हमारे जो ओनर्स ओनर्स है नीरव सर और वरुण सर, उनका जो बिहेवियर है जो बंदों के साथ, हमने जो लाइक उनके जो टीम प्लेयर्स है मतलब एनटीटी के प्लेयर्स है वो बहुत अच्छा है। एज अ फ्रेंड वो बात करते हैं, मुझे बोलते हैं मेरा एज अभी 28 है, हाँ तो नीरव सर बोलते हैं तू छोटा तो नहीं है 16-17 साल हाँ का, जो मैं तुझे बोलूँ कि तू बेटे जैसा है लेकिन तू मेरे छोटे भाई जैसा है। बिल्कुल और सही। नीरव सर वरुण सर मतलब वरुण सर नीरव सर कैसे है, नीरव सर का ऐसा नेचर है कि एकदम प्यार से बात करते हैं। वरुण सर अगर तुम कुछ गलतियां करते हो तो वो सुधारने का ट्राई करते हैं, मतलब यस एकदम ओवरऑल बहुत बढ़िया है। और वहां पे जाके एनटीडी में जाके मतलब लाइक ऐसा घर में है ऐसा घर फीलिंग आ रहा वाली है, घर फीलिंग है वाली वही फीलिंग आती होनी है चाहिए पूरी। अल्टीमेटली। यस देखिए किसी भी और ऑर्गेनाइजेशन को, क्यों इंडिया हाँ में अभी शुरू है ये सब, तो बहुत हाँ ही अच्छी बात है कि यू नो और एंटिटी बोलिए। हाँ। और हमारे जो मैनेजर है सीड, आप भी उनसे मिले हाँ हो, बहुत अच्छे से जानता हूँ। वो जो बंदा है वो लाइक हर बार मोटिवेट करते रहता है। हाँ मतलब उसका जो नेचर है मतलब इतना मोटिवेट करता है हर चीज में कि भाई तुम करो मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुमको जो करना है करो मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो बंदा भी बहुत सही है, मतलब एक ओवरऑल फैमिली जैसा रिलेशन है सब सबका एक साथ में। चलिए बहुत अच्छी बात है। अच्छा घातक भाई, जोनाथन और नियो इन लोग दोनों आपके साथ काफ़ी टाइम से जुड़े रहे हैं, तो इन दोनों का क्या रोल रहा है आपके पबजी मोबाइल करियर को बनाने में? मैंने एक्चुअली टीम बनाई पहले से, मैं मतलब मुझे पूरा डेडिकेशन के साथ खेलना था और मैंने बहुत सारे बंदों का स्टडी किया था। नियो मैं एकदम स्टार्टिंग फेज में नियो का गेम प्ले मैं देखता था, जो अपना सीएसपीजी टेड है हाँ उसके लाइनअप में नियो, लाइनअप में नहीं था उसके क्लैन में था नियो, सीएसपीजी नियो नाम था उसका, उसका हाँ गेम प्ले हाँ मैंने देखा था। और उसको मैंने वो टाइम पे उसका गेम प्ले देख के उसको बोला कि तू मेरे स्क्वाड में आएगा मैं तुझे ये करूंगा खिलाऊंगा। तो वो टाइम पे नियो के साथ मतलब मेरी बहुत बहस होती थी क्योंकि वो खेल नहीं पाता था, परफॉर्म नहीं कर पा रहा था, हाँ लिटरली वो फ्लस्टर्ड हो चुका था कि भाई मुझे कम्पिटिटिव नहीं खेलना है क्योंकि उसको जमरा नहीं था। और मैं उसको लाइक थोड़ा सा गालियाँ मिला देना ये ऐसे कि ऐसे ऐसे करके मैंने उसको बहुत हम बोलते हैं ना कि भाई उसका जो प्रॉपर गेम प्ले उसने मैंने देखा था उसमें क्या वो चीज़ है कमी है। कमियां हैं और वो जो क्या चीज़ है वो जो उसको इंडिया की सबसे बेस्ट टीम प्लेयर्स में ला के खड़ी कर सकती है। तो उसको मैंने बहुत सिखाया। और आज आपको पता है कि आज नियो कौन है। नियो कौन है? और जोनाथन को मैंने पीएमसीओ के बाद लिया था, जैसे मैंने पीएमसीओ के बाद हम लोग थोड़े अपसेट थे कि हम लोगों ने सिक्स पे फिनिश किया था हाँ और मुझे दो प्लेयर्स चाहिए थे। तो मैंने पूरा स्टडी किया पीएमसीओ के बाद कौन सी टीम में कौन सा बंदा ऐसा है जो टीम को कैरी कर रहा है सही या बात है। फिर टीम में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। तो मैंने जोनाथन का गेम प्ले देखा था, तो जोनाथन का गेम प्ले मुझे बहुत पसंद आया और मैंने जोनाथन को मेरे टीम में ले लिया उसके बाद। चलिए बहुत ही अच्छी बात है। अब घातक भाई देखिए, हमारे कम्युनिटी में बहुत सारे किस्से हो जाते हैं, बहुत सारे पंगे हो जाते हैं, पर आप एक वो शख्स हो जिसके पास सब लोग जाते हैं वो चीज़ को सुलह कराने के लिए, तो ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखिए इतनी बड़ी हमारी कम्युनिटी है, तो आपको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना, और जैसे आपको सब लोग घातक भाई बुलाते हैं, तो वो आपको फीलिंग क्या आती है एंड आपके माइंड में क्या चलता है कि आपके हाथ में एक नहीं होते हुए भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको कम्युनिटी में यू नो इस तरह ऐसा दर्जा दिया गया है? दर्जे की बात नहीं है, मैं आपको टू बी ऑनेस्ट एक बात बोलता हूँ। एक प्रोफेशनल गेमर का एज रहता है 15 से लेके 25 से 30 लेके, मतलब एक पकड़ के चलो ये एज रहता है सही जहाँ पे बात आपकी बॉडी पूरी एक्टिव रहती है। एक गेमर जो मोबाइल गेमर होता है वो उससे कंटिन्यू एक्टिव होना चाहिए। तो अगर आप देखोगे तो मेरा अभी 28 एज है, मुझे भी पता है कि मैं चाह के भी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा जितना अभी जो यंग जनरेशन परफॉर्म कर रही है। तो मेरे दिमाग में एक ही चीज़ है कि मुझे कम्युनिटी को, जैसे कि आप भी करते हैं, स्पोर्ट्स को आगे लेके जाना है, कम्युनिटी को आगे लेके जाना है, ये दिमाग में मेरा रहता है। तो मैं जितने भी बंदे मतलब जो बंदे रहते हैं जितने भी कुछ किसी के साथ इश्यू होते हैं मैं सॉल्व करने का ट्राई करता हूँ क्योंकि स्पोर्ट्स रिकग्निशन इंडिया में मिलनी चाहिए। सही और बात सबसे बड़ी बात यही है, आप अगर बंदे अगर आपस में लड़ेंगे कम्पिटेटिव प्लेयर्स आपस में लड़ेंगे तो ये चीज़ बहुत दिक्कत वाली हो जाएगी। है, बिल्कुल सही बात है। तो घातक भाई आप इसके बाद ये भी बताइए कि आप कब तक गेमिंग कंटिन्यू करना क्या सोचे हो? मैं भी गेमिंग 1 साल तक करूंगा, उसके बाद मैंने उसके बाद का मैंने थोड़ा सा सोच के रखा है, मैंने अभी चालू भी कर दिया है उस चीज़।
मैंने साथ बहुत सारे बंदे के साथ इंटरेक्ट करने का ट्राई कर रहा हूँ। मैंने मेरा व्हाट्सएप ग्रुप बनाया बंदों के लिए, जो बंदे नए नए कम्युनिटी में आ रहे हैं। मैंने बोल भी दिया, मैंने यूट्यूब चैनल पे बोला था कि जितने भी बंदे नए नए आना चाहते हैं उनको मैं सपोर्ट करूंगा, आपके स्किल्स दिखाओ, स्किल्स के साथ मैं आपको उठाऊंगा, और जितने भी टूर्नामेंट जितने भी स्क्रीम्स होते हैं अगर आप परफॉर्म करोगे तो मैं आपको उधर स्लॉट दिलवाऊंगा। हाँ, तो ई स्पोर्ट्स आगे बढ़ाना है अपने सारे बंदों को मौका देके। सही बात तो मैंने सिंपल एक फंडा रख लिया, क्योंकि बहुत सारे बंदे तो सबको तो अपन चांस नहीं दे सकते। मैंने बोला इंस्टा पे जाओ मेरे, और मेरे इंस्टा पे मुझे टैग करो आपके गेम प्ले में, मुझे अच्छा लगता है, मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगा व्हाट्सएप के और आपको टीम्स बना के दूंगा। तो ये मेरा मैंने थोड़ा सा एक अलग जाके सोचा और ऐसे अभी आगे वर्क करूंगा इस पर। बिल्कुल सही। तो अब मतलब इसके बाद आपका ये कहना है कि अगर मैं पूछूं कि आगे क्या, तो आगे आप 1 साल तक गेमिंग करना चाहोगे एंड उसके बाद आप फिर स्काउट का काम करना चाहोगे कि आप टीम्स के लिए स्काउट कर रहे हो प्लेयर्स एंड आप सबको प्लेटफॉर्म देना चाहोगे। यस, मैं इस स्पोर्ट में बंदों को लाना चाहता हूँ, मतलब बहुत सारे नए टैलेंट को। बहुत ही अच्छी सोच है घातक भाई। अब एक बात और कि घातक गेमिंग के चैनल पे हमें एक्टिविटी अब और कितना देखना मिलेगी, क्योंकि आपने अभी अभी स्ट्रीमिंग स्टार्ट किया है, तो हमें घातक गेमिंग से अब क्या उम्मीद कर सकते हैं हम लोग। मैं अभी नया मतलब मुझे YouTube के बारे में कुछ पता नहीं था, मैंने आपसे भी बात की थी हाँ कि हाँ ऐसे हाँ चलता है, कैसे वर्क करता है, हाँ कैसे हाँ मतलब इंटरेक्ट करना है, मतलब ये चीज मुझे पता नहीं है। बट अभी थोड़ा थोड़ा जम रहा है, जैसे आपने मुझे थोड़े से मतलब बताया था कि आप इंटरेक्ट करो लोगों के साथ, तो मैं वैसा कर रहा हूँ थोड़ा थोड़ा करके। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे हेल्प किया इस चीज के बारे में कि यूट्यूब कैसे ग्रो करना है। तो उसके बाद मैंने लोगों के साथ इंटरेक्ट करना चालू कर दिया, और मैं अभी आने वाले टाइम में लोगों को मतलब मुझे जितना आता है गेम प्ले, मतलब मुझे जितना कॉम्पिटेटिव का नॉलेज है उतना मैं उनके साथ शेयर करूंगा, सही। और नए टैलेंट्स और नए जो बंदे कॉम्पिटेटिव खेलना चाहते हैं उनको मतलब उस चीज़ से हेल्प होती है कि भाई कैसा खेलना है, कॉम्पिटेटिव कैसा खेलना है। वही चीज़ अभी मेरा मेन फोकस है, और यही इसी पे मैं काम करूंगा आगे। अच्छा, तो अगर पबजी नहीं होता तो आप कहाँ होते, पबजी नहीं होता क्या कर तो रहे वही अपनी होते। लाइफ, लैब जाओ सुबह, बाद में फिर शाम को लैब बनकर घर गए। अच्छा, तो ठीक है घातक भाई, इस एपिसोड के लिए जाते जाते आप एक कुछ अपने व्यूअर्स और जो भी नए बंदे हैं जो करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए आप कुछ वर्ड शेयर करना चाहोगे, कुछ पीस ऑफ एडवाइस। यस, मैं पक्का शेयर करना चाहता हूँ। जितने भी बंदे बहुत सारे बंदे मुझे पूछते हैं आके कि भाई डिवाइस का इशू है, लाइक घर वाले सपोर्ट नहीं करते, किसी को भी सपोर्ट नहीं करते घर वाले, डिवाइस का इशू भी बहुत, ये सबसे लाइक डिवाइस का जो इशू रहता है वो सबको आता है। मतलब लाइक बहुत सारे घर वाले मैनेज नहीं करके देते। मैं आप मतलब मैं उनके पेरेंट्स को मैं बोलना चाहूंगा कि अगर आपसे होता है 20-25 हज़ार का एक सेकेंड हैंड अच्छा सा डिवाइस आप लेके दे दो आपके बेटे को, क्या पता वो आने वाले टाइम में आने वाला मॉडल बन जाए, बिल्कुल स्काउट सही बन बात है, जाए, बिल्कुल सही। मतलब श्राउड बन जाए, ये बन सकते हैं मतलब बंदे। तो आप आपके बेटे को हेल्प करो, ई स्पोर्ट्स ये बहुत बड़ी चीज़ है आने वाली। आप इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक हर चीज़ें चल रही है, ई आधार चल रहा है, मतलब जितना भी इलेक्ट्रॉनिक चीजें चल रही है सब चल रही है। तो ई स्पोर्ट्स भी इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स भी जल्दी आने वाला है, सही तो बात है, आप आपके लड़कों को सपोर्ट कीजिए। आप मतलब एक घर वालों को रहता है क्यूरियोसिटी रहती है, मतलब घर वाले क्या सोचते हैं, अपने थोड़ा सा पुराने टाइम में सोचते हैं कि हमारा लड़का ज्यादा टाइम बाहर भी रहेगा तो कुछ नशे कर रहा है, क्या कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, और घर पे गेम बैठ के गेम खेल रहा है तो भी तू तब क्यों गेम खेल क्यों रहा गेम है, खेल रहा है। खेलने दो, हाँ कुछ गलत काम तो नहीं कर रहा सही है। बात है, अगर तू स्टडी करके कॉलेज में स्कूल में स्टडी करके आता है और गेम खेलता है कोई गलत बात नहीं है कोई उसमें, गलत बात नहीं, आप बिल्कुल सपोर्ट सही। करो, आपका बच्चा आने वाले टाइम में इंप्रूव करेगा और बहुत सारी चीजें आपको भी दिखा देगा कि वो कौन है। तो सपोर्ट करना बहुत बड़ी बात है, और बाकी रही बात कम्युनिटी में बहुत सारे अभी लोग हैं जो सपोर्ट करना चाहते हैं नए टैलेंट को, तो वही बिल्कुल काम सही, रहेगा मेरा आगे बिल्कुल जाके। सही कहा आपने। तो गाइस ये था हमारा पहला एपिसोड घातक भाई के साथ एंड इसके बाद हम मिलेंगे एक फन रैपिड राउंड में जो कि होगा एपिसोड 2। Thank you.